आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है कंपैरिजन। इंडिया में पता क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि पेड़ है तो सब बस यही चाहते हैं इस पेड़ पे चढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बंदर हो कि तुम मगरमच्छ हो कि तुम मछली हो, सबको एक ही पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, वही किताबें दी है, सब बच्चे उसी रेस में दौड़ते रहते हैं। बाहर जाओगे ऐसा नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता, मछली तो पानी में ही तैरेगी, बंदर पेड़ पे उछल कूद कर लेगा, पर कैसे हम लोग ये कहते हैं कि सबको पेड़ पे ही चढ़ना। और हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्लास में तुम्हें लगता है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 सिर्फ पढ़ने वाले ही हैं, होते ही नहीं। 30 में से 2 या 3 बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बाकी किसी का खेलने में है, किसी को क्रिकेट में है, किसी को कबड्डी में है, किसी को सिंगिंग में है, किसी को डांसिंग में है, किसी को एक्टिंग में है, किसी को साइंस में है, किसी को टेक्नोलॉजी में है, किसी को लैंग्वेज में है, कोई आवारागर्दी करता है, किसी को किसी चीज़ में, इंटरेस्ट बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं। पर हम सबको क्या कहते हैं, पढ़ो 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 और एक ही पेड़ पे चढ़ते जाओ, एक ही पेड़ पे चढ़ते जाओ, बस उस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ेगा वो फर्स्ट आएगा, जो बाद में चढ़ेगा वो सेकंड आएगा, जो सबसे पीछे रह जाएगा वो लास्ट होगा। ये ध्यान नहीं देते जो लास्ट में लटका पड़ा है उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो लास्ट में लटका पड़ा है उसका डांस आता है उसको, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छा रेसर है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत ही अच्छा गेमर है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जानता है, कि कोई नहीं समझता। ये है सबसे बड़ी समस्या आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। हम सबको बोलते हैं यही पेड़ है चढ़ जाओ, ये है सबसे बड़ी समस्या, यही है सबसे बड़ी समस्या। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ना ये मत टेंशन लो, जब आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी कुछ हो रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है कि किताबें पढ़ो और एग्जाम दो और तुम लास्ट में आ रहे हो तो तुम चिंता क्यों करते हो यार, तुम अपनी क्वालिटी अपनी एबिलिटी पे खेलो। समझ में आता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मानो ये बात, और हर किसी के लिए अलग अलग सक्सेस मंत्र लिखा है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, अभी माँ बाप जरूर प्रेशर दे रहे हैं ठीक है पढ़ लो, लेकिन उसके बाद जब तुम कॉलेज जाओ तो अपने पैशन को फॉलो करना जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, मानो और उसमें बहुत अच्छे होने के बाद एक्सपर्ट बन जाना, तुम कमाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, इफ यू आर अ गुड डांसर गुड सिंगर, अभी तुम प्रेशर में हो मैं मानता हूं, क्योंकि माँ बाप का प्रेशर है और बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, बट मानो मेरी बात कि जिस दिन तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा उस दिन तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे, तब अपने पैशन को फॉलो करना, जो तुम चाहते हो उसको फॉलो जरूर करना पढ़ाई के साथ साथ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप बहुत अच्छे उस चीज में तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे।